वेलकम टू श्रीजी फूड। आज हम बनाएंगे एक गुजराती रेसिपी जिसका नाम है दूधपाक। ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है और आज मैं आपको एक क्विक मेथड बताने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी दूधपाक रेडी कर सकते हैं। तो चलिए दूधपाक किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। दूधपाक बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क को एक बर्तन में लेके उसे गर्म करने के लिए रख दिया है और 1 टीस्पून चावल लिए हैं जिसे मैंने पानी में आधे घंटे पहले भिगो के रखा है। दूध गर्म होने लगा है, इसे एक बार हम चला लेंगे। जो चावल हमने भिगो के रखे हैं, उसे हम एक मिक्सी जार में ले लेंगे। पानी के साथ ही हम इसे दर दरा क्रश कर लेंगे। इस तरह का इसका टेक्सचर आ जाएगा। इसे हम दूध में ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखनी है और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहना है। अब इसमें 4 टेबलस्पून या अपने स्वाद के अनुसार चीनी ऐड करें। 15 से 20 बादाम को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा है जिससे इजीली इसकी स्किन निकल जाए। 2 से 3 टेबलस्पून जितना ये गरम दूध हम एक बाउल में ले लेंगे और उसमें 8 से 10 हम केसर के धागे भिगो देंगे। 1 टेबलस्पून चारोली हम इसमें ऐड करेंगे। दूध को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना बहुत ही जरूरी है। जो केसर हमने भिगो के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। किनारों से भी दूध को मिक्स करते जाए। जो बादाम हमने भिगो के रखे थे उसकी स्किन मैंने निकाल के उसे चॉप कर लिया है। 1/2 टीस्पून इलायची और जायफल का पाउडर हम ऐड करेंगे। दूधपाक अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है और चावल का एकदम दानेदार टेक्सचर आ चुका है। गैस बंद कर देंगे। इतने मिल्क को मैंने टोटल 20 से 25 मिनट तक बॉईल कर लिया है। गैस बंद करने के बाद भी इसे हमें कांस्टेंट इस तरह से चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर मलाई की परत ना जमे। दूधपाक कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में लेके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये दूधपाक सर्विंग के लिए रेडी है। दूधपाक को आप 2 तरह से सर्व कर सकते हैं। जब ये गुनगुना थोड़ा गर्म हो उस टाइम पे और दूसरा जब फ्रिज में ये बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से दूधपाक बहुत ही टेस्टी लगता है। और अभी हमने जो मेजरमेंट लिया उससे 3 से 4 मीडियम साइज के सर्विंग बाउल दूधपाक बनकर रेडी होता है। तो एक बार इस तरह से दूधपाक बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।